अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम ज़ीरा सफ़ैद के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके फ़वाद के बारे में आपको बताएंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। और बहुत ही ये सस्ती चीज़ है और रूटीन में हमेशा हमारे घरेलू इस्तेमाल में रहती है, तो इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, Facebook पेज को भी फॉलो और लाइक करें। चलते हैं अपनी वीडियो की जानेब। तो ज़ीरा सफ़ैद के जो फ़ायदे हैं उनमें पहला फ़ायदा ये है कि नज़ला और ज़ुकाम को ये दूर करता है। उसके अलावा बदहज़मी की शिकायत में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बदहज़मी के साथ साथ ये आयरन की वाफर मकदार फराहम करता है हमें। इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है और ये हमारे जिस्म को आयरन की वाफर मकदार फराहम करता है, जिगर और गुर्दे की कारकर्दगी को बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर जिगर के जो तमाम अफ़ाल हैं उनको ये बहुत ज़्यादा तकवीत देता है, जिसकी वजह से हमारा जिगर बेहतर मकदार में खून पैदा करता है। और उसके अलावा गुर्दे की कारकर्दगी जो है, गुर्दे की फिल्ट्रेशन में इसका बेपनाह फ़ायदा है। उसके अलावा जिस्म के जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है ये उसमें इजाफा करता है, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत है उसके अंदर ज़ीरा सफ़ैद बेपनाह फायदा इजाफा करता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी किसी भी बीमारी के खिलाफ जो हमारे जिस्म की कुदरती ताकत होती है उसको ख़त्म करने की, ये उसमें इजाफा करता है और हमारा जिस्म खुद ब खुद जो इम्यूनिटी होती है हमारी वो उस बीमारी के खिलाफ अमल करके तो हमारी बीमारी ख़त्म हो जाती है। सफ़ैद ज़ीरे का जो अर्क है ना, सफ़ैद ज़ीरे का अर्क ये जिस्मानी ताकत बाहर रखता है। जिस तरह औरतों के अंदर, खसूसन तौर पर औरतों के अंदर कमज़ोरी, उनको तबीयत बोझल महसूस होना, तो इस तरह की कैफियत के अंदर ज़ीरे सफ़ैद का जो अर्क है वो बहुत ही बेहतर है। और इसके इसके जो मेन फ़ायदों में है वो मेदे और जिगर के अंदर जो रसौलियाँ बनती हैं ये उनके इम्कान बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल से अगर आपको इस्तेमाल करते रहते हैं वक्ता फ़वक्ता, इसको इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है, अगर सालन के ऊपर भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी चुटकी आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सालन के ऊपर डालें, इसको पीस कर इसकी चुटकी आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे ज़ीरा सफ़ैद के कुछ ऐसे फ़ायदे जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।